इंटर बैंक में डॉलर 2.54 रुपए सस्ता, डॉलर 221.50 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी, इंडेक्स 42,500 की नफसियाती हद अबूर कर गया। शहबाज गिल दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, अदालत का जुमे को दोबारा पेश करने का हुक्म, तिब्बी मुआयने की भी हिदायत। शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे में हसास इदारे में बगावत पर उकसाने समेत संगीन नौयत की 10 दफात शामिल। अदालती पेशी के दौरान शहबाज गिल ने कहा, इदारे हमारी जान है, इदारों के खिलाफ कभी बात नहीं की। शहबाज गिल की जुबान जहर आलूद हो गई थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्ला बाबर कहते हैं, झूठ और तानों के जरिए नफरत फैला रहा था। इसके बावजूद शहबाज गिल को मुनसिफाना ट्रायल का हक हासिल है। पाक फौज के शहदा के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने का मामला, सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू। वजीर दाखिला ने आज ज्वाइंट इंक्वायरी टीम का इजलास तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग अब तक की तहकीकात के बारे में ब्रीफिंग देगा। PTI की जिमनी इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ की 9 हलकों के जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी।